सुप्रभात बच्चों, पिछले दोन कक्षा में आप लोगों ने वायुयान के बारे में थोड़ा बहुत जाना। आज हम आगे देखेंगे यहाँ पे लेखक ने क्या लिखा है वायुयान के बारे में। पहले विश्व युद्ध के बाद वायुयान ने अपनी प्रगति यानी उन्नति की। तो बच्चों, जैसे पहले विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या है, वायुयान के इसमें ही क्या हो गई, उन्नति हो गई, उसमें और नया आविष्कार तैयार किया गया। वे एयरशिपों के समान नियमित रूप से यात्री ढोने लगे और अंध महासागर पार करके यूरोप के देशों से अमेरिका जाने लगे। इसी काल में वायुयान भारत में भी आ गया। तो पहले बच्चों कैसे था, अन्य देशों में हम लोग वायुयान को देखते थे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए क्या हुआ, जो पहला युद्ध हुआ विश्व युद्ध, उसके बाद हमारे भारत में भी क्या है, आ गया। सन 1931 ईस्वी में JRD टाटा ने वायुयान में बैठकर भारत में पहली उड़ान भरी। यह उड़ान मुंबई से कराची तक की थी। तो बच्चों, जो आप जानते हो टाटा यानी कौन है, ये बहुत बड़े क्या है, बिजनेसमैन है। तो सन 1931 ईस्वी में जो जे आर डी टाटा जी थे, उन्होंने वायु में बैठकर पहली क्या है, अपनी पहली उड़ान भरी। और ये उड़ान कहाँ से कहाँ तक थी, मुंबई से कराची तक थी। दूसरे विश्व युद्ध में वायुयान का प्रयोग सामरिक यानी युद्ध संबंधी कार्यों में भी हुआ। अब तक वायुयान के अनेक रूप विकसित हो चुके थे। लड़ाकू विमान यानी युद्ध के काम आने वाले जो विमान होते हैं, बच्चों यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को दृश्य, ये जो है लड़ाकू विमान है जो हमारे सैनिक प्रयोग करते हैं। बम वर्षक विमान, मालवाहक विमान और यात्री विमान आदि। तो बच्चों कैसे हैं, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ज्यादातर क्या है, इसमें बम वगैरह रखकर अपने शत्रु देश पर फेंका जाता है लड़ाई होते वक्त। और कुछ ऐसे हैं मालवाहक, यानी अपने सामान जो है यहाँ से दूसरी जगह जब लेके जाना होता है तो माल ढोने का एक वाहन विमान होता है, और यात्रियों के लिए अलग सामान। विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में वायुयान का एक और रूप सामने आया, वह था जेट विमान। आजकल अधिकांश वायुयान जेट विमान ही होते हैं। जेट में ईंधन के जलने से जो गैसें बनती है उन्हें पिछले भाग में बनी नोजलों से तेजी से बाहर निकाला जाता है, जिसके फलस्वरूप वायुयान आगे बढ़ता है। ये गैसें जेट के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए इसी प्रकार के विमानों को जेट कहा जाता है। तो बच्चों आगे ना कुछ भी मुश्किलें आए, इसलिए उन्होंने जेट विमान का क्या है, आविष्कार किया। उसमें क्या होता था, जो भी ईंधन वगैरह जलता था वो क्या है, गैस बन देती, और वो उन्हीं पिछले भागों से क्या है, जब आप विमान देखते हो तो वहां से वो हवा निकलती है। वायुयान का एक रूप और होता है जिसे हेलीकॉप्टर कहते हैं। तो हेलीकॉप्टर आप बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, ज्यादातर क्या है, ये हमारे सैनिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। हेलीकॉप्टर के ऊपर एक बड़ा पंखा लगा होता है, उड़ते समय इसकी पंखुड़ियां घूमती रहती है। यह छोटी सी जगह है, जगह से एकदम ऊपर उड़ान भर सकता है। उड़ने तथा उतरने के लिए इसे उड़ान पट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। हेलीकॉप्टर आकाश में एक स्थान पर रुक सकता है, जबकि वायुयान को आकाश में उड़ने के लिए आगे बढ़ते रहना आवश्यक होता है। तो बच्चों हेलीकॉप्टर और वायुयान में क्या फर्क है, हेलीकॉप्टर अगर पहाड़ी जगह है या बर्फीला जगह है, कैसे भी ऐसी जगह पर वो जाकर रुक सकता है जहां पर हमारे अन्य विमान काम नहीं आते, वहां पे हेलीकॉप्टर काम आता है। क्योंकि विमान के लिए जो है वो क्या है, उन्हें अच्छी जगह होती है, जैसे हमारे रोड होते हैं तो वहां पे शोर गुला वगैरह नहीं होना चाहिए, बहुत दूर दूर तक घर वगैरह नहीं होने चाहिए, एक सपाट रास्ता होना चाहिए जहाँ पे उसे ठीक से वह रुक सके। लेकिन हेलीकॉप्टर ऐसा है जो किसी भी अन्य बर्फीली हो, पहाड़ी हो, जहाँ पे मनुष्य भी ना पहुंच सके, वहां पर यह जाके रुक सकता है। वायुयान का एक रूप आप लोगों ने जाना, हेलीकॉप्टर एक स्थान पर रुक सकता है, जबकि वायुयान को आकाश में उड़ने के लिए आगे बढ़ते रहना आवश्यक होता है। हेलीकॉप्टर वायुयान की तरह तीव्र गति से नहीं उड़ सकता। बच्चों इन दोनों में क्या फर्क है, जिस तरह विमान तेज गति से दौड़ता है उस तरह से हेलीकॉप्टर नहीं दौड़ सकता।
परंतु वह भारी वजन उठा सकता है। वह ट्रक या टैंक को लेकर आसानी से उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर ज्यादातर बच्चों जहाँ पे क्या है आप बोल सकते हो वहां पे सुनामी वगैरह ऐसे आते हैं परिस्थिति जहाँ पे लोग नहीं जाकर उनको कुछ भी सुविधा दे सकते हैं, तो ऐसे जगह पर ये जाकर उनको मदद करते हैं। और ये क्या है जैसे टैंकों को भी उठाकर क्या है ट्रक के टैंक को ये अपने साथ आसानी से उड़ाकर ले जा सकते हैं। जैसे इंसान कोई पानी में फंसा हो, तबाही हो गई हो, तो उस जगह अगर मनुष्य को कुछ मदद की जरूरत होती है तब इस हेलीकॉप्टर क्या है वहां पर आकर रस्सी फेंककर इन लोगों की मदद करती है। आजकल ऐसे वायुयान बनाने की कोशिश की जा रही है जो वायुयान के समान बड़े हो पर हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान पट्टी के बिना ही उड़ान भर सके, साथ ही उनकी गति भी वायुयान के समान तीव्र। सामान्यतः वायुयान भूमि पर ही उतरता है और वहीं से उड़ान भरता है। उड़ान भरने के लिए उसे उड़ान पट्टी पर दौड़ना पड़ता है। तो वही कहा ना बच्चों मैंने, उड़ान पट्टी यानी एक पूरा क्या है खुला है, रास्ता चाहिए उनको जहां पर ना कुछ जानवर होने चाहिए, इंसान नहीं होने चाहिए या किसी का घर वगैरह नहीं होना चाहिए, खुले खुला मैदान होना चाहिए। और एक पट्टी रहती है जो उस पट्टी पर वह उतरता है और वहीं से उसी पट्टी से वह हवा में उड़ता है। लेकिन उसे अगर उड़ान भरनी है तो पहले वह पट्टी पर दौड़ता है, कई किलोमीटर तक दौड़ने के बाद वह ऊपर की तरफ जाता है। इस कार्य के लिए वायुयान के निचले भाग में पहिए लगे रहते हैं। तो बच्चों जब वो नीचे जमीन पर उतरता है वायुयान, तब उसको क्या है टायर होते हैं जैसे अन्य हमारे गाड़ी के होते हैं उसी समान होते हैं। जब वो स्टार्ट करता है तभी भी उसमें टायर लगे रहते हैं। जब वो उड़ान ऊपर की तरफ भरता है तब वो टायर क्या है अंदर की तरफ सिकुड़ जाते हैं, लेकिन जब उतरता है तब फिर से वह क्या है उनके रिमोट कंट्रोल द्वारा उस टायर को दोबारा क्या करते हैं नीचे की तरफ लाने देते हैं, जिस तरह से वह नीचे से ठीक से उतर सके। जिन वायुयान को सागर में उतरना होता है उनके नीचे लंबी लंबी पट्टियां लगी होती है जिन्हें फ्लोट कहते हैं। इस प्रकार के वायुयान को सी प्लेन या समुद्री विमान कहते हैं। तो ये अलग से होती है बच्चों जो पानी में इसका उपयोग किया जाता है। अब इस प्रकार के वायुयान भी बन चुके हैं जो आवश्यकता अनुसार सागर और जमीन दोनों पर उतर सकते हैं। जलायनों पर ऐसे ही वायुयान रखे जाते हैं क्योंकि जमीन पर ही पहले क्या है वायुयान खड़ा होता था, लेकिन समुद्री जगह पर भी क्या है हमें कहीं जरूरत हो जाती है, इसलिए ऐसे भी विमान तैयार किए गए। वायुयान में पेट्रोल से चलने वाला इंजन लगा होता है, इसे आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। अधिकांश वायुयानों में 4 से 6 तक इंजन लगे रहते हैं। कुछ वायुयानों में प्रयोग के लिए 12 तक इंजन भी लगाए जाते हैं। इंजनों के साथ सुपर चार्जर भी लगा होता है। तो बच्चों देखो अधिकांश वायुयान में क्या होते हैं 4 से 6 इंजन लगे हुए रहते हैं, तो कुछ वायुयान में क्या है 12 इंजन तक लगे हुए रहते हैं। इंजनों के साथ सुपर चार्जर भी लगा होता है जो उड़ान भरते समय अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। सामने की ओर पंखा लगा होता है जिसे प्रोपेलर कहते हैं। प्रोपेलर यानी बच्चों हवाई जहाज का एक पंखा होता है जो आगे घूमते रहता है, उसका नाम प्रोपेलर रखा गया। यह उड़ान भरते समय हवा में उसी प्रकार धसला जाता है जैसे लकड़ी में पेंच धंसता है। आधुनिक वायुयान आवाज की गति से दुगुनी गति से उड़ सकते हैं। वैज्ञानिक इससे भी तीव्र गति से उड़ने वाले विमान बनाने में प्रयत्नशील है। तो बच्चों हमारे जो वैज्ञानिक है वो क्या है दिन ब दिन क्या है अपने आविष्कार में क्या है बदलाव करते हैं ताकि और बेहतर वह सुविधा दे सके, जो अभी भी क्या है नहीं रुका हुआ है और वो लगातार अपनी कोशिश करते रह रहे हैं जो अभी है उससे भी और बेहतर करके वे दिखा सके। वायुयान एवरेस्ट में 3 गुना ऊंचाई तक जा सकता है किंतु वह वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। हाँ बच्चों ये आकाश में जरूर उड़ता है विमान, लेकिन अंतरिक्ष में नहीं जा सकता क्योंकि उसे उड़ने के लिए हवा चाहिए। अंतरिक्ष में एक सीमा के बाद हवा नहीं होती है। तो अंतरिक्ष में क्या है एक सीमा होने के बाद क्या है बच्चों हवा नहीं होती जिसकी वजह से विमान वहां तक नहीं पहुंच सकती। इसके लिए क्या है हमारे रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं।
वायुयान को लगा देखकर एक प्रश्न मस्तिष्क में आता है कि वह हवा से भारी होने पर भी इतना ऊपर कैसे उड़ जाता है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बच्चों यानी वह खिंचाव जिसमें वस्तुओं को पृथ्वी पर गिरा देती, जो वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं अगर उसमें खींचने की ताकत हो तो नीचे क्या है गिर जाता है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बल उसे नीचे नहीं खींचता, वास्तव में उसे एक बल ऊपर उठाता है जिन्हें उत्थान लिफ्ट कहते हैं। यह उत्थान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। उत्थान बल वायुयान के विशेष आकार के कारण कार्य करता है। वायुयान की ऊपरी सतह कुछ वक्र होती है, वक्र यानी बच्चों टेढ़ा, और आगे का भाग पीछे के भाग की अपेक्षा भारी होता है। उड़ान भरते समय उसके पंख एक विशेष कोण पर झुक जाते हैं जिससे नीचे की हवा दबने लगती है। हवा की गैसों के अणु लचीले होते हैं इसलिए वे पंखों को ऊपर की ओर धकेलते हैं, परिणामत पंख ऊपर उड़ते हैं तथा वायुयान आकाश की ऊंचाइयों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए ऊपर उड़ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने वायुयान के बारे में जाना। यह भी जानना आपको जरूरी है कि वायुयान में पारा ले जाना सख्त मना है। क्यों बच्चों? क्योंकि जहाज एल्यूमिनियम से बना होता है और पारा एल्यूमिनियम को क्या है नष्ट कर देता है। पारा यानी बच्चों मरकरी, तो ये आप नहीं ले जा सकते। जब भी आप सफर करते हो विमान में इस चीज को आप नहीं ले जा सकते क्योंकि इससे क्या है जो जहाज है वो क्या है एल्यूमिनियम से बना होता है और जैसे ही मरकरी क्या है हम लेके जाते हैं तो क्या है इसको एल्यूमिनियम को नष्ट कर सकता है। तो बच्चों आज आप लोगों ने वायुयान के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम नया पाठ लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।